अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं नदी पे और देखते हैं आज इंशाल्लाह क्या लगता है और आपसे कुछ बातें भी होती रहेंगी और इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि आज हम स्लीपर पहन के आए हैं। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि स्लीपर पहन के आए हैं, क्योंकि पानी पार करना होता है दोनों साइड, इसी वजह से छोटी छोटी वजह से देखो कितना तेज़ भागा थी। तो दोस्तों चलते हैं इंशाल्लाह और आगे तब दिखाते हैं आपको। फाइनली हम पहुंच गए हैं और फिशिंग इंशाल्लाह यहां से शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए, लगभग हम भी काफ़ी लेट थे क्योंकि काम की वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था और बीच में कभी आए भी लेकिन मछली नहीं लगी। प्रॉब्लम क्या थी अभी आपको बताते हैं, क्योंकि हमने पहले वाली वीडियो में आपसे बताया था, सर्दी के टाइम में जो वीडियो डाला था कार्प की, हमने भाले से पकड़ा था, यानी हम लोग बचकी बोलते हैं उसको, उससे हमने पकड़ा था। फिर आपको हमने बताया था कि इंशाल्लाह वाइट से रोहू कतला यानी वगैरह रोहू कतला खेलेंगे। तो ये हुआ कि हमें एक जगह स्पॉट मिली और हमने वहाँ पे दो दिन चराई किया था। चराई करने के बाद हमने वहाँ पे तीसरे दिन हुक बेट लगाया और हमने स्टार्ट किया फिशिंग। सिंगल हुक पे खेल रहे थे क्योंकि घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी। और हाँ, एक चीज़ और, जो आप स्पॉट ही इस जगह पे देख रहे हैं उसको ध्यान से देखते रहें, क्योंकि ये आपकी बॉल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जगह के ऊपर काफ़ी सारी बातें डिपेंड करती हैं कि स्पॉट कैसा होना चाहिए। तो हुआ ये कि हम वहाँ पे खेल रहे थे और हमने शाम तक, दोपहर से लेके वही 11-12 बजे से, और शाम तक हमने वहाँ पे हुकअप सारा सेटिंग मतलब सेटअप करके स्टैंड चेस्ट माउंट सारा लगा के, क्योंकि एक भी चीज़ हम मिस नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ वाली देखें, एक बहुत ही बड़ी साइज़ की फिश थी, देखें बाइट देखें बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ देखें बहुत तगड़ा बाइट था यार, यहाँ पे भी होगा फर्स्ट कास्ट किया हमने यहाँ पे। और इधर से एक चीज़, और यहाँ से पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बह रहा है पानी, और जलकुंभी जो है, जो घास से दिख रही है उसमें पानी है, वहीं पे मछलियाँ सारी छुपी रहती हैं। तो उसमें क्या है कि साइड में अब जब कास्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी मछली। अब ये वाला कास्ट देखें, ये कास्ट हुआ और ये बाइट, ये ज़बरदस्त बाइट थी यार, बहुत ज़बरदस्त बाइट थी। तो हुआ ये था कि वहाँ पे हम शाम तक बैठे थे, बोर हो गए बिल्कुल अकेले बैठे बैठे। फिर हमने सारा सेटअप हटाना शुरू किया, यानी हमने दो हैंडलाइन एक रॉड तीन से खेल रहे थे और हैंडलाइन हमने उठा लिया, रॉड हम उठाने ही वाले थे तभी एक मछली स्नैकहेड निकली वहाँ पे, दिखाई दिया भाई मुझे, दिखाई दिया, बड़ी साइज की थी। फिर हमने तुरंत ही रॉड उठाया, सिविल्स यूज कर रहे थे तो सिविल्स हमने तुरंत फ्रॉक चेंज किया। फ्रॉक चेंज करने के बाद हमने कास्ट किया, फर्स्ट बाइट हुई, मिस हो गई क्योंकि हुकअप नहीं हुआ और वहाँ पे घास काफ़ी सारा था, तो इस वजह से हुकअप नहीं हुआ मछली। और फिर हमने दूसरी बाइट ट्राई किया, भाई दूसरा वाला बाइट इतना ज़बरदस्त था यार कि क्या बोले, मैं सोच के परेशान था कि यार हमने स्टैंड सारा कुछ निकाल के जाने वाले थे, भाई कितनी बड़ी मछली, भाई निकाला मछली दिल खुश हो गया। आपको साइज़ देखें मछली का एक बार, ये देखें साइज़ लगभग 3 के ऊपर की थी, 3, 3.5, 4 के आसपास जो भी थी, लेकिन साइज़ यार ज़बरदस्त साइज़ था यार, संभल ले ऐसा संभल मिले तो मज़ा आ जाए बिल्कुल। और फिर हमने वहाँ से निकले क्योंकि शाम भी होने वाली थी और काफ़ी लंबा जाना पड़ता था उनके लिए। अब यहाँ पे देखें भाई, इस टाइम इतनी बाइट हो रही है, इतनी बाइट, और हमने ध्यान दिया था कि संभल नहीं, हो सकता है कि उन्होंने अंडे वगैरह छोड़ दिए हो, लेकिन मिस बाइट बहुत ज़्यादा हो रही है और बाइट भी हो रही है लेकिन बहुत कम थी वाली बाइट। देखें हमने फर्स्ट कास्ट किया यहाँ पे और दूसरा वाला भी जब करेंगे, साइड में थोड़ा जलकुंभी है यहाँ पे, आप देखेंगे जब वहाँ पे, जब आप देखेंगे जलकुंभी है वहाँ पे, जब दूसरा वाला कास्ट करेंगे। और सबसे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये जलकुंभी कभी कभी फंस जाता है, ये बाइट देखें, ये अच्छी, बहुत अच्छी बाइट थी, और आगे देखते हैं, समझ लगा और मिस हुआ, मज़ा आने वाला है अगर आप लोग एंगलर हैं। ये वाली देखें यहाँ पे, क्योंकि घास था तो हम लोगों ने थोड़ा तिरछा कास्ट किया था, यहाँ पे काफ़ी पानी है और ऐसी जगह पे हल्का हल्का घास देखें तो इसमें क्या होता है, समल कभी कभी मुंह बाहर आते हैं सांस नहीं ले लिए। ये यहाँ पे देखें हमने बाइट किया और ये बाइट हुआ तुरंत, ये लेकिन मिस बाइट हो गया, मतलब हुकअप नहीं हुई थी ठीक से, मछली कांटा नहीं लगा था, छूट गया। और आगे अभी दूसरी वीडियो में हम दिखाएंगे थोड़ा सा और आगे जाके,
थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर कैमरा ऑन करने, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बीच में इधर थोड़ा सा साफ़ है पेड़ के पास, और उस वो जगह पे थोड़ा सा साफ़ है और आगे थोड़ा सा साफ़ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे, और हमने यहाँ पे पहले ट्राई किया था इस जगह पे, फिर अगला वाला कास्ट देखिए कहाँ से, दो तीन कास्ट में शायद ही बाइट हुआ था फर्स्ट, और ज़बरदस्त बाइट थी यार, बड़ी साइज़ की मछली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जलकुंभी यहाँ सामने मुझे देख सकते हैं पेड़ के पास, तो हम इधर लेफ्ट साइड जाके मछली को हमने निकाला था, कास्ट किया है और नहीं किया था, ये हुआ कास्ट और इस साइड हुआ कास्ट। ये इस जगह पानी में देख सकते हैं फ्रॉग, ऐसी जगह आप खोज खोज के यहाँ पे कास्ट करते हैं तो मछली लगने के चांसेस थोड़ा सा हैं, ज़्यादा है कहने का मतलब, क्योंकि घास जहाँ इस साइड में आप पेड़ की तरफ देख सकते हैं साफ ही नहीं है मेरे भाई, कास्ट करते रहो कसते रहो, बाइट होगी तो मिस बाइट ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखें ये बाइट, ज़बरदस्त फिश थी यार, अच्छी साइज की। लेकिन यार मौसम इतना गर्मी का कि पानी की बॉटल को हमने पॉलिथीन बैग में हमने पैक करके रखा था, फिर भी ज़्यादा देर नहीं टिक रहा था, लेकिन क्या करें मजबूरी थी, वहाँ पर नल भी नहीं है और नदी पर इतना दूर पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मछली काफ़ी अच्छी साइज़ की आपको दिख रही होगी, ये खींच के ला रहे हैं इधर से, हम बाएं चले गए हैं थोड़ा सा क्योंकि बाएं से मछली को निकालना थोड़ा आसान था, और इस जगह पे जलकुंभी थी तो मछली बड़ी थी, साइज़ उसका बड़ा था, यहाँ से तो निकाल ही नहीं सकते थे, पानी में उतरना होता, तो हमने थोड़ा सा लेफ्ट जाके यहाँ से निकाला। अब ये देखें साइज़ आप, मछली को निकाल लिया है, आप लोग साइज़ देखें, बेहतरीन साइज़, बहुत अच्छा साइज है, यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन साइज है। शुक्रिया दोस्तों।